तो हे गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी इधर घर के बाहर और जा रहा हूँ मैं बागान में। और इधर आया हूँ कुछ दतवन के लिए और मूल होने के लिए। सोच रहा हूँ इधर कोई बच्चा लोग या फिर कोई दोस्त वगैरह मिल जाए तो मुंह धो लूंगा। तो छोटू पेड़ पे चढ़ते हो? नहीं चढ़ते हो? कोई नहीं मिलेगा? कोई तो मिल जाए, कोई मिल जाएगा, दातवन कैसे टूटेगा। अच्छा एक मिनट। नहीं भाई, हम नहीं चढ़ते हैं पेड़ पे, हमको नहीं आता है चढ़ने ना, मेरा शरीर भारी है, हमको भी नहीं होता है। तो गाइस अभी कोई मिल नहीं रहा है और इधर मैं अकेले हूँ और इधर समझ में नहीं आ रहा है। हम तो खुद चढ़ नहीं सकते हैं और सोच रहा हूँ उधर एक तो नीचे दतवन होता है, उधर जाकर दतवन ले लूँ। देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, अगर कोई अगर आ जाए तो ठीक है और नहीं तो फिर तो जाना ही पड़ेगा उधर, नीचे से दतवन तोड़ना ही पड़ेगा। सुनू भैया से मांगे हैं परसों के है दतवन। अरे भाई इतना मतलब ऐसा परसों का दतवन से धो रहा है यार, कैसा यार तुम बताओ यार, इतना बड़ा शरीर लेके यार तुम क्यों नहीं पेड़ पे नहीं चढ़ते यार, तुम चढ़ जाओ। दर्द हो गया है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा अजमल आ रहा है ना, अजमल कुछ बोलते हैं, अजमल को बोलते हैं, अजमल अगर चढ़ता है तो ठीक है। तो गाइस उस बगान में तो मुझे कोई नहीं मिला तो मैं सोचा कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा इस तरफ। ये देखिए यहाँ जो है दतवन मिल जाता है। अजमल भाई जा रहे हैं आगे और हम भी सोचे कि चलते हैं, पता नहीं तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, इसलिए हम सोचे कि आते हैं खुद से तोड़ लेते हैं और जा रहे हैं दतवन तोड़ते हैं, उसके बाद फिर मुंह धोया जाएगा। तो गाइस मैंने दतवन यहाँ पर से जो है तोड़ लिया है और ये देखिए यहाँ पे जो है एकदम मतलब यहाँ पे सिर्फ दतवन ही दतवन है। यहाँ पर से एक ठो दतवन मुझे मिला नीचे यहाँ पर था तो यहाँ से तोड़ लिया। तो गाइस मुझे दतवन मिल गया है और मैं जो हूँ अभी मुंह धो रहा हूँ और थोड़ी देर में मैं जाऊँगा और उधर जाऊँगा बगान में और उधर थोड़ा बैठता हूँ। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. तो गाइस हम आ चुके हैं बगान में और हमारे चचा जी इधर बैठे हुए हैं जो कि इनका फोन जो है कल खराब हो गया है। तो चचा जी आपका फोन कितने का था? और उनका फोन चल नहीं रहा है। आज सुबह में जो है आज बहुत लेट से उठे, टाइम जो हो गया था 6 बज गया था और सुबह में जो कि मेरा टाइमिंग है उठने का 4 बजे है और उठकर मैं नमाज पढ़ता हूँ और उसके बाद जो है चले जाता हूँ नदी पर। तो आज लेट हो गया और लेट पे लेट हो गया। तो गाइस हम अभी घर पे लेटे हुए हैं और कुछ देर पहले मैं नमाज पढ़ा था जुमा का और उसके बाद फिर खाना खाया, फिर उसके बाद और उसके बाद अभी जो है आराम कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में जाएंगे हम बाजार और उधर बैंक में भी जाना है और पैसा वैसा निकालना है और
सब्जी वगैरह मार्केट से लेना है। तो साइकिल मेरा ख़राब हो गया है, साइकिल में लगता है उसका पूरा हैंडल जो है घूम नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है चलाने में। उसमें लगभग खर्चा हो जाएगा लगभग 500-600 रुपये खर्चा है। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, आगे चलते हैं। तो गाइस हम घर पे निकल चुके हैं और घर पे जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ सब्जी वगैरह लेना है और बैंक में कुछ काम है। और बताया था मैंने आपको कि मेरा साइकिल जो है ख़राब हो गया है, हैंडल में बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो गाइस अब चलते हैं, तो गाइस जा रहे हैं घर पे I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. तो हे गाइस, मैं करपी से निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ घर। और अभी मैं बाजार से खरीदा हूँ कुछ देर पहले, और बाज़ार से लगभग वही आलू और ये सब सब्जी लिया हूँ, झोले में रखा हुआ है। और मेरा साइकिल जो है ख़राब हो गया है, बाद में करवाऊँगा। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ घर और घर पे निकलूँगा तुरंत। गाइस अभी मैं बीच रास्ते में हूँ, बीच रास्ते में देखिए इधर इधर जो है खेत वगैरह में मोरी रोपा रहे हैं और धान के लिए। बारिश तो हुई नहीं है और लोग ऐसी मोटर पर धीरे से हटा रहे हैं, तो ऐसे चल रहा है काम। देखिए कुछ दिनों में अगर बारिश हो गई तो हो गई, देखिए क्या होता है। अब तो देखिए यहाँ पे फूल वगैरह और इधर जो है इधर खेत में फूल वगैरह रखा होता है, और इधर जो है रोड किनारे जो है गाइस इधर पौधे लगाए हुए हैं, जिससे हम रोड पर चलते हैं हमें जो है छाँव मिलता है। तो गाइस अब चलते हैं घर। तो हे गाइस हम अभी छत पे आए हुए हैं और अभी शाम हो गया है और कुछ नाश्ता कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले मगरिब का नमाज हुआ था और नमाज वमाज पढ़ के सोचा कि ऊपर आओ और आराम से कुछ नाश्ता करो। बाहर का सीन दोस्तों बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम सॉलिड, एकदम झकास, एकदम लाल लाल उधर आ रहा है दोस्तों। बिजली अभी नहीं है, मस्त लग रहा है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही।
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।